अनुपमा की कहानी में वनराज बिल्कुल सुरक्षित है और वनराज ठीक है, पर काव्या से नफरत करता है और काव्या से मिलना भी नहीं चाहता। पर अनुपमा के प्यार और सम्मान और उसके ख्याल को देखकर वनराज का दिल बदल रहा है और वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है। यहाँ जब चौखट पर अनुपमा नहीं होगी, घर वाले होंगे, उसका स्वागत कर रहे होंगे, तो उसे ज़्यादा बुरा लगेगा और बार बार अनुपमा वनराज को नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगी। और जब लीला कह देगी अनुपमा से कि तुम अपनी क्लासेस कुछ दिनों के लिए बंद कर दो क्योंकि मेरे बेटे का ख्याल तुम्हें रखना है, तो अनुपमा साफ तौर पर इनकार कर देगी और कह देगी कि वो मेहमान है और मेहमान का भी खर्चा बढ़ जाएगा और हमें ही इस परिवार का खर्चा देखना है, तो मैं ये डांस क्लास तो बिल्कुल नहीं रोकूंगी। और ये सुनकर लीला को झटका लगेगा। वहीं आपको बता दें कि वनराज कुछ ऐसा कहने वाला है जिससे सब परिवार के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि वनराज सूट निकाल कर देगा अनुपमा को और कहेगा कि तुम डांस इसमें कंफर्टेबली कर सकती हो और कर पाओगी भी। और ये सुनकर अनुपमा खुद हैरान होगी, तो साथ ही परिवार वाले भी। वनराज का ये बदलाव अनुपमा के दिल को जीत पाएगा कि नहीं, क्या अनुपमा माफ कर पाएगी वनराज को, या यूं ही इन दोनों के बीच में तकरार देखने को मिलेगी। आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।